हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली डिजाइन, जो कि एकदम सिंपल है। कोडिंग के पर डिजाइन बना लेते हैं। तो इसमें कोडिंग है और यहाँ पे अपना सिंपल जो मल्टी डिजाइन है वो भी है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम इलिप्स टूल लेंगे और एकदम सिंपल डिजाइन है और 250 के रिपीट में हमको बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सर्कल ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से फिर रख देंगे एग्जैक्टली। और इसको जितना हो सके इतना फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कर दिया। फिर सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे रन ले लेंगे और इसका कलर रख देंगे हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यहाँ पे ये ठीक है। फिर यहाँ पे हमको नाप लेना है, तो यहाँ से हम माप लेते हैं। तो 0.80, तो यहाँ पे 0.80 का गैप है। तो कितना है, 1, 2, 3, 4। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करें क्या करेंगे, अल्टर आईओ करेंगे, यहाँ से करेंगे 0.80 और यहाँ से 4 ले लेंगे, 4 ही है। यहाँ से रन सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा ये इतना बन गया। अभी एक काम क्या करना है आपको, इसका मतलब साथ में स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज कर देना है। जहाँ से आपको पंचिंग करना है वहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज कर देना है। उससे क्या होगा कि ये दोनों को मैं चालू कर देता हूँ कि जब भी आप पंचिंग करोगे तो आपको सभी मतलब जितने भी है वो उतने को आपको ये करना नहीं पड़ेगा। अगर चाहो तो आप यहाँ से ये ले लेना, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसके सेंटर में ये वाला ले लेना। तो क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली रखने का बराबर ध्यान रहे। तो क्या इसमें तो सब बुट्टे कॉपी है, तो आप एक साथ में सभी बुट्टे को अगर इस तरह से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दोगे तो आपको क्या हर हर ऑब्जेक्ट में ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पंचिंग तो सीधा कॉपी ही लगेगा, लेकिन हम पहले से ही कर देते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगर बाई चांस कुछ करना पड़ा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरह से रख देंगे यहाँ पे। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट साथ में ही चेंज करते जाना है ताकि आपको पंचिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये इतना काम कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंबाइन कर देंगे और इसका कलर रेड रख देते हैं, रेड कलर। तो यहाँ पे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे। उसके बाद सीधा कॉपी रखना है, तो कंट्रोल दबा के कॉपी, फिर दो को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के कॉपी, उस हिसाब से ही करते जाना है। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको एक बार अनग्रुप करता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि अलग अलग कलर में है तो कलर भी अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, यहाँ से इसको कॉपी, थोड़ा इधर उधर है तो इसको चेंज कर देंगे। अगर इधर उधर रहता है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब भी हम वो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब सबकी स्पेसिंग भी एक सरकी हो जाएगी। उसके बाद क्या, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे और जो बाकी जो बुट्टे बचे उसको कॉपी कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसका रिपीट सेट कर देंगे। 250 के एरिया में है तो इसको 250 के एरिया में पहले सेट कर देते हैं। मैं डब्लू प्रेस करता हूँ 3, यहाँ पे 250 और यहाँ पे ऑफसेट को 1 सिलेक्ट करता हूँ, टू भी बताता हूँ, एंटर। तो अभी क्या करेंगे रिपीट सेट करने के लिए, आपको पता ही है ये बुट्टे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको इसके ऊपर कॉपी रख देना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया। अभी क्या करेंगे, अभी ये सबको सिलेक्ट करना है। ये सबको सिलेक्ट करके एक बार क्या, सबको एक ही लाइन में कर देते हैं। तो ये क्या एक ही लाइन में आ गया, अभी सबके बीच में गैप से एक सरका कर देते। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारा ग्रुप में नहीं था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो इसी वजह से देखिए, ये एक एक ग्रुप में है, ये एक एक पूरा ग्रुप में, लेकिन ये ग्रुप में नहीं है। तो हमको सबको ग्रुप में करना पड़ेगा, तभी वो वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। तो एक छोड़ के शायद एक ग्रुप में नहीं है, वो हमने कलर चेंज करने के लिए किया था तो उसकी वजह से ग्रुप में नहीं हो पाया। तो जितने भी ब्लू है वो सबको आपको ग्रुप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो वाला ऑप्शन करेंगे तो आपको उसको ग्रुप में रखना है। तो ये वाला ग्रुप में है, ये वाला ग्रुप में है, ये वाला ग्रुप में है। तो इसका चलो मैं कंट्रोल, चलो वो तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करेंगे, अभी सभी ग्रुप में, अभी सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको अलाइन ये कर देंगे और यहाँ से इसको स्पेसिंग कर देंगे, स्पेस इवनली अक्रॉस। तो अभी हमारा परफेक्ट रिपीट सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अभी क्या करना है, इसको ऊपर में कॉपी लेना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल डी करके इसको इस तरह से ऊपर खींच लेंगे, इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर रख देना है। यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, तो ये हो गया। अभी इसमें देखिए ये कलर अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे रेड है और यहाँ पे रेड है, मतलब ये क्या ऊपर ऊपर में हो गया है। यहाँ मैं रिपीट ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या इसका कलर चेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक ये सबको सिलेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो,
सबसे पहले मैं अनग्रुप कर देता हूँ क्योंकि सबके कलर चेंज करने हैं तो सबको अनग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये एक एक सिलेक्ट करके भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसका ब्लू कलर कर देंगे और जहाँ पे ब्लू कलर है वहाँ पे रेड कलर करना है। यहाँ पे इसका हम रेड कलर कर देंगे। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे बन गई। तो अभी हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना रहेगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी क्या करेंगे, ये एग्जैक्टली 250 के रिपीट में डिज़ाइन है, तो मैं एक बार रिपीट भी चालू करता हूँ, जीरो करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये 250 के रिपीट में डिज़ाइन बन गई है।